हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 7 में उत्पादन के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। तो बोलते हैं कि उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसमें उपयोगिता का सृजन होता है, मतलब वस्तुओं में एक नया उपयोगिता का जन्म होता है। कहता है किसी वस्तु या सेवा के अंदर छुपी हुई उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। अब बात है कि प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई उपयोगिता पाई जाती है। उस वस्तु का रूप को बदलकर, उस वस्तु का आकृति को बदलकर उसके उपयोगिता में वृद्धि करना, जैसे उसकी उपयोगिता में वृद्धि करेंगे उसका दाम बढ़ जाएगा। इसी प्रक्रिया का नाम है प्रोडक्शन यानी उत्पादन। तो कहता है कि वस्तु का उत्पादन हम लोग क्यों करते हैं, वस्तुओं के अंदर छुपी हुई उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए उसका उत्पादन करते हैं, उसको नया रूप में निर्माण करते हैं। यानी मनुष्य अपनी अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं को एक नया रूप में बदलता है। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, कोई उत्पादक गन्ना से चीनी बनाता है, कोई फैक्ट्री वाला टमाटर से टमाटर का सॉस बनाता है, टमाटर से चिप्स बनाता है, आलू से आलू का चिप्स बनाता है। ये सब उत्पादन की प्रक्रिया है। तो कहता है किसी वस्तु या सेवा के अंदर छुपी हुई उपयोगिता को बढ़ा देना या जन्म देना ही उत्पादन कहलाता है। यानी किसी उत्पादक द्वारा किसी वस्तु के रूप को चेंज करके उसके उपयोगिता एवं मूल्य दोनों में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। वस्तु के अंदर जो छुपी हुई उपयोगिता है उसको हम बढ़ाएंगे, इसी प्रक्रिया का नाम है उत्पादन। यानी हम लोग उत्पादन क्यों करते हैं, मतलब कि प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई उपयोगिता होती है। जैसे कोई बोलेगा कि गन्ना से चाय बनाओ तो नहीं होगा, गन्ना से मिठाई बनाओ नहीं होगा, गन्ना से खीर बनाओ नहीं होगा, लेकिन बोलेगा चीनी से बनाओ तो सब हो जाएगा। यानी गन्ना के अंदर भी पहले से उपयोगिता है, बट उसमें उपयोगिता कम है, उसका यूज कम है। उसका यूज को बढ़ाने के लिए हमने उसको चीनी का रूप दिया, अब चीनी सब बन जाएगा। यानी किसी वस्तु के अंदर जो उपयोगिता है उसका परसेंटेज को बढ़ाना है, उसके अंदर उपयोगिता 40% है उसको 80% करना है, 100% करना है। इसी प्रक्रिया का नाम है प्रोडक्शन यानी उत्पादन। ठीक, अब चलेंगे उत्पादन के साधन पर। उत्पादन के साधन मतलब होता है कि उत्पादन जिस वस्तु से किया जा रहा है उसका नाम है उत्पादन के साधन, जो मुख्यतः 4 होता है। हम यहां लिखते हैं, एक है भूमि, एक को बोलते हैं भूमि, तो कहते हैं इंग्लिश में लैंड। उसके बाद है श्रम, मतलब होता है लेबर। उसके बाद है पूंजी, बोलते हैं कैपिटल। फिर है साहसी, कहते हैं इंटरप्रीनियरशिप। देखिए भूमि है जिसमें मशीन लगेगा, बिल्डिंग बनेगा, श्रम जो करेगा उत्पादन, पूंजी कितना खर्चा होगा, साहसी उत्पादन करने का मालिक। ये 4 है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। भूमि जो दिया उसको बदले में क्या मिलेगा, उसको बदले मिलेगा भाड़ा, किराया।
लगान, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग रेंट, जो लेबर के रूप में काम किया उसको क्या मिलेगा, मजदूरी, क्या मिलेगा मजदूरी, क्या बोलते हैं इसको वेज। फिर है जो पूंजी दिया है उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा ब्याज यानी इंटरेस्ट। जो रिस्क लिया है मालिक उसको क्या मिलेगा, लाभ मतलब प्रॉफिट। तो बोलता है यहां पर कोई साधन न उत्पादन प्रक्रिया के दौरान फिक्स रहता है और कुछ चेंज होता है। फिक्स कौन कौन होता है, भूमि, और भूमि के अंदर मशीन, बिल्डिंग, ये फिक्स है, स्थिर साधन है। और वेरिएबल कौन है, कौन चेंज होगा, लेबर घटा बढ़ा सकते हैं, कच्चा माल का उपयोग करेंगे उसको घटा बढ़ा सकते हैं, पूंजी घटा बढ़ा सकते हैं, ये है चेंज होने वाला। यानी उत्पादन के साधनों को दो भागों में बांटा गया, एक स्थिर साधन एक परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन किसको कहते हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक स्तर पर एक समान रहता है, स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। यानी उत्पादन शून्य हो जाएगा लेकिन यह साधन का प्रयोग शून्य नहीं होगा। जैसे आप फैक्ट्री में मशीन लगा दिए हैं लेकिन लेबर नहीं लगाए हैं, कच्चा माल भी दिए हैं लेकिन लेबर नहीं लगाए हैं, उत्पादन होगा नहीं होगा, ठीक है। यानी फिक्स साधन लगाए हैं, यदि परिवर्तनशील साधन नहीं लगाए हैं तो फिर उत्पादन जीरो हो जाएगा। और फिर देखिए आप मशीन लगाए हैं, परिवर्तनशील साधन लगाए हैं, यानी जिस तरह से परिवर्तनशील साधन आप लगाएंगे उसी तरह से उत्पादन का मात्रा भी चेंज होगा। यानी फिक्स साधन लगाए हैं, परिवर्तनशील साधन आप नहीं लगाए हैं तो उत्पादन जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन मतलब कच्चा माल, पूंजी, लेबर, इस सब को जिस तरह से बढ़ाइएगा उत्पादन बढ़ जाएगा, घटा दीजिएगा उत्पादन घट जाएगा। यानी उत्पादन की मात्रा किस पे डिपेंड है, परिवर्तनशील साधन पे डिपेंड है, वो जीरो उत्पादन जीरो, ये अधिक उत्पादन अधिक, ये कम उत्पादन कम। यानी वे साधन जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान चेंज होते रहता है उसका नाम है परिवर्तनशील साधन। ये बढ़ेगा उत्पादन बढ़ेगा, ये घटेगा उत्पादन घटेगा, ये यदि जीरो हो गया तो उत्पादन भी जीरो हो जाएगा। लेकिन फिक्स साधन हम लगाए हैं और परिवर्तनशील साधन हम नहीं लगाए हैं तो उत्पादन फिर भी जीरो होगा। अर्थात उत्पादन के साधनों को दो भागों में बांटा गया है, स्थिर और परिवर्तनशील, जो मिल करके किसी उत्पादन कार्य को करते हैं। मिलते हैं आने वाले वीडियो में।